खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सरयू हूँ। मैंने राम का बचपन देखा, राम का वनवास देखा। तब से लेकर अब तक की हर दिवाली की साक्षी बनी तो अयोध्या का हर तीज त्योहार देखा। अयोध्या की आस्था को अपनी लहरों से कई युगों तक सींचा है मैंने। वैदिक काल से लेकर आज तक हर दौर को करीब से देखा है मैंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं, रुबिका लियाकत। इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सरयू हूं। जी हां, आज हम सरयू की नजर से पूरी की पूरी अयोध्या नगरी को जानेंगे, यहां के इतिहास, यहां के वर्तमान को पहचानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं सरयू तट पर मौजूद हूँ और ये देखिए, सरयू नदी का बहता पानी जिसमें अयोध्या का पूरा इतिहास समाया हुआ है और इन्हीं लहरों पर आज वर्तमान भी जिंदा है। अयोध्या की फिजा ही ऐसी है, यहाँ के लोगों में आज तक कोई फसाद नहीं हुआ है। इसी पानी में अगर पंडित आचमन करता है तो मौलवी का वजू भी सरयू के बगैर अधूरा है। इतिहास गवाह है इस मोहब्बत का और साक्षी है उस बात का कि जब जब यहाँ विवाद हुआ, प्रभु राम ने ये नगरी छोड़ दी। उस सिंहासन को लेकर विवाद की स्थिति पैदा होती कि प्रभु राम ने इस नगरी को छोड़ दिया। और वक्त की बाजीगरी देखिए, ये विवाद लंबा खिंचा, अयोध्या के साथ विवाद जुड़ा रहा और एक फैसले ने आजाद हिंदुस्तान के सब कुछ बदल कर रख दिया। तमाम अटकलों और आशंकाओं को खारिज करते हुए अयोध्या नई सुबह के नए संदेश के साथ उठ खड़ी हुई। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने 134 साल से चली आ रही कानूनी लड़ाई पर आखिरी फैसला सुना दिया था। इसी के बाद अयोध्या ने एक मत से फैसले को स्वीकार किया। आनंद से सराबोर भक्त आज मुझसे मुलाकात करने पहुँचते रहे। भगवान के नेत्रों से इनका उद्गम है और भगवान, क्योंकि भक्तों के प्रेम में इनका उद्गम हुआ है तो भगवान इनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। भक्त और माँ सरयू जी एक बराबर हैं। भगवान जब भी अवसर मिलता था बालकों के साथ अकेले माँ सरयू जी के किनारे आकर बैठते थे और उन्हीं से बातें किया करते थे। ये वो सरयू हैं। भगवान श्री राम ने अपने मुखारविंद से स्वयं अयोध्या का वर्णन जिस समय किया, उस समय माँ सरयू जी को उन्होंने उसमें रखा मध्य में। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बह सरयू पावन। भगवान श्री राम ने स्वतः माँ सरयू जी का वर्णन किया है कि हमारी जन्म भूमि की पहचान माँ सरयू है। ये है माँ सरयू जी। मेरे किनारे पर सुबह से ही आस्था की डुबकी लगाने वालों का तांता रहा। जैसे मैं कभी भेद नहीं करती, वैसे ही मुझे प्यार करने वाले भी कभी मतभेद नहीं रखते। निश्चित रूप से बहुत प्रेम से रहते रहे हम सारे अयोध्यावासी, क्योंकि भगवान राम ने कहा, कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान और हिंदू हमें प्रिय हैं। भगवान श्री राम ने कहा, अति प्रिय मोय यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। ये पुरी हमारी जन्मभूमि है और यहाँ के रहने वाले प्रजापुरवासी हमें अत्यधिक प्रिय हैं, चाहे वो किसी भी कौम से बिलोंग करते हो। क्या आप ऐसा कोई अपना वाक्य बता सकते हैं कि आपके कोई मित्र जो हैं वो मुसलमान हैं, उनसे आपका अच्छा मिलना बैठना जुलना है, और अक्सर आपने या कोई ऐसी दुकान जहाँ आप सिर्फ उसी दुकान से लेते हैं और वो दुकान के जो मालिक हैं वो मुसलमान हैं, आपका कोई ऐसा? हाँ, जैसे हमारे स्टार टेलर वाले भाई हैं, उनके पास मैं उठता बैठता हूँ, वहाँ अपना वस्त्र में सिलाता हूँ। इकबाल सीसीटीवी वाला, जो हमारे मंदिर में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं सब उसके द्वारा लगाए गए हैं, और प्रत्येक कार्यक्रमों में हम लोग उनके किसी कार्यक्रम में सौहार्दपूर्वक हिस्सा लेते हैं, उनसे गले मिलते हैं, उनको अपना मानते हैं और सदैव मानते भी रहेंगे। हमने कहा ना, मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन के, हिंदू सिता हमारा। मेरी जो सबसे घनिष्ठ मित्र हैं, सहेली है, वो उसका नाम है आशिम हेदी।
शिया मुस्लिम हैं और मैं होली उनके घर में जा कर के मनाती थी, सबको होली के रंगों में रंगती थी। दिवाली पे सब मेरे घर आते थे, ईद पे भी हम लोग बराबर आना जाना रहता था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एकता नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इन लाइंस पे बात करनी अब हमको बंद करनी चाहिए कि तुम मुस्लिम हो और तुम हिंदू हो। इट्स बेटर कि अब हम लोग इस लाइन पे बात करें कि इंसान कैसे हो। फिर चार लाइनों के माध्यम से यहाँ के सद्भाव को बताऊंगी। जमाना जो ना कर पाए चलो वो काम करते हैं, तेरा मेरा ये जीवन हम वतन के नाम करते हैं। अली की हर दिवाली हो, राम का हो जाए रमजान, जश्न ये वतन परस्ती का सुबह और शाम करते हैं, सुबह और शाम करते हैं। जय श्री राम। अयोध्या आज से नहीं दशकों से सद्भाव का संदेश देती रही है। यहाँ इस्लाम को मानने वाले महबूब भाई भी राम की तस्वीरें बेचते हैं और ऐसा करने में उन्हें कोई परहेज नहीं होता। अयोध्या में कभी किसी तरह का कोई झगड़ा अयोध्या वासियों के बीच में हुआ हो, धर्म के आधार पर हुआ हो, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कहीं दर्ज होगा। और इसकी जीती जागती मिसाल राम लला की, हनुमान गढ़ी की और यहाँ के मंदिरों की सेवा करने वालों से लेकर वहाँ पर सामग्री जो भोग के तौर पर चढ़ाई जाती है, वहाँ जो फूल माला चढ़ाई जाती है, वहाँ जो खड़ाऊ प्रभु राम के बेचे जाते हैं, उन सब में मुसलमान भाइयों का अच्छा खासा योगदान है। और हमारे साथ महबूब खान साहब जुड़े हुए हैं जो कि प्रभु राम की तस्वीरें जो हैं वो बेचते हैं। महबूब भाई, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अयोध्या वासियों को इस राम मंदिर के ऊपर जो फैसला आया उसे लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया मुस्लिम भाइयों में? देखिए, मुसलमान भाई तो खुशी हैं। जो कोर्ट का फैसला था, हम लोग ने पहले ही कह दिया था जो कोर्ट फैसला देगा उसी को हम लोग मानेंगे, और कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया उसी को हम लोग मान रहे हैं और हम लोग खुश हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग भी चाहते हैं अब जो होना था हो गया भाई, जब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो उसमें हम कर भी क्या सकते हैं, और हम चाहते हैं कि अब राम मंदिर बन ही जाए। क्या भगवान राम में आपकी श्रद्धा है? हाँ बिल्कुल है भाई, होती ना तो हम करते क्यों? ऐसा तो है नहीं हम उसको बनाते हैं और फेंक देते हैं, कायदे से रखते हैं भाई, हमारी रोजी रोटी है और श्रद्धा भी है। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान अयोध्या में कैसे रहे हैं? देखिए, अयोध्या और मुसलमान, जो हिंदू और मुसलमान है अयोध्या का, वो आप बता नहीं सकते कौन हिंदू है कौन मुसलमान। ये देखिए अभी कल फैसला आया, हम लोग घूम रहे हैं, परिवार भी हमारा घूम रहा है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर के लोग फोन करते हैं, पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, कैसा है कैसा, सब सही है। यहाँ तो ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ हुआ है, जैसे रोज था वैसे आज भी है। अयोध्या ने एक बार नहीं बार बार एकता के संदेश दिए हैं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम एक थाली में खाना खाते रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते रहे हैं, और ये तस्वीरें देखकर मेरा मन हमेशा हिलोरे लेता रहता है। अयोध्या की धरती कितनी पावन है आप इस बात से समझिए। प्रभु राम ने तो इस धरती पर जन्म लिया ही, जैन समुदाय के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ऋषभदेव ने यहाँ पर जन्म लिया। उनके साथ साथ कहा जाता है कि पांच और तीर्थंकर यहाँ पर जन्मे हैं। सिख समुदाय में गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर के पावन कदम भी इस धरती पर पड़े हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा के बेटे हजरत शीश यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की गोद में सो गए। मेरे किनारे बसी अयोध्या हमेशा प्रेम और सद्भाव की मिसाल रही है, मैं इसकी खुद गवाह हूँ। और इस वक्त अयोध्या के मैं मशहूर जैन मंदिर में मौजूद हूँ, और यहाँ हम लोग प्रवेश कर ही रहे थे कि मुझे एक बढ़िया नजारा दिखा, खूब सारे फूल और फूलों के बीच में ये हुजूर कुछ बीनते हुए नजर आए। तो जरा इन्हीं से पूछते हैं, आपका शुभ नाम क्या है? रघुनंदन। रघुनंदन जी क्या कर रहे हैं? ये फूल बिछा कर सुखवा कर इसमें चंदन केसर मिलाकर चंदन बनाकर भगवान को चढ़ाया जाएगा। और ये फूल कहलाते क्या है? हर श्रृंगार का नाम है। हर श्रृंगार के ये फूल हैं। हाँ, और आप ये लात आप खुद बीनते हैं? हाँ। और कहाँ से लात? अपने मंदिर में लगा है चार पेड़। अच्छा,
तो आप फिर वो तोड़ के लाते हैं और इसमें से क्या आप पीला रंग निकले? हाँ, केसरिया रंग बन जाता है। और सही बात भी है, देखिए आप इसको अगर मैंने आपका एक फूल बर्बाद कर दिया, कोई बात नहीं ना। ये देखिए ये पीला रंग आपको नजर आ रहा है, हर श्रृंगार के फूल हैं, इसमें चंदन लगाया जाएगा और उसके बाद। तो आप ये काम हमेशा से कर रहे हैं? नहीं, एक महीना तक चलता है ये, बस एक महीना फूलता है। और फूल बीनते बीनते आपको खबर बीनने को मिली कि नहीं मिली अयोध्या पर फैसले की? हाँ मिला, बहुत अच्छा फैसला हो गया। हाँ। और इस जैन मंदिर में आप कब से हैं? 25 साल हो गए। हिंदू धर्म के श्री राम से लेकर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की विरासत मुझसे जुड़ी है। अयोध्या जैन धर्म के अनुसार शाश्वत तीर्थ है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। यहाँ पर 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। प्रथम तीर्थंकर हैं भगवान ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। ऐसे 5 भगवान ने यहाँ पर जन्म लिया है। ये मंदिर भगवान ऋषभदेव का है। यहाँ पर शताब्दियों से मंदिर चला रहा है। हमारे जैन धर्म के अनुयायी सारे देश से, दुनिया से यहाँ पर आते हैं और इन तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों की वंदना करते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ पर 7 मंदिर हैं और जहाँ जहाँ तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया है उन स्थानों पर उनके मंदिर बने हुए हैं। बौद्ध परम्परा का महत्वपूर्ण तीर्थ अयोध्या में है। कभी यही ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध भी यहाँ से जुड़े रहे। सिखों के 9वें और 10वें गुरु का यहाँ से सीधा जुड़ाव है। अयोध्या में गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड और गुरुद्वारा गोविंदधाम आज भी इस आस्था की कहानी कहते हैं। इस वक्त मैं अयोध्या के गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड में मौजूद हूँ और ये ऐतिहासिक तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जगह। सिखों में इस जगह की आस्था बहुत है और उसके पीछे वजह मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले गुरु नानक देव यहाँ पर आए थे। यहाँ पर उन्होंने जो कुछ कुरूतियां चल रही थी उनको बदला था और उसके बाद 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी यहाँ पर आए थे। और उनके खड़ाऊ देखिए आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों को कहेंगे कि हमारे 9वें गुरु यहाँ पर आए थे तो कोई मानेगा नहीं, तो वो यहाँ पर अपने खड़ाऊ जो हैं वो छोड़ के गए थे। फिर उनके बाद जो 10वें गुरु उनके बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी, वो जब 9 वर्ष की आयु थी तब यहाँ पर आए थे और कौतुक जो है वो करके यहाँ पर दिखाया था। यानी ये जो अस्त्र और शस्त्र आप देख रहे हैं इनके साथ कुछ क्रियाएं की थी, इसलिए ये जगह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि बहुत कम ऐसे गुरुद्वारे हैं या बहुत कम ऐसे जगह, नगर, शहर, राज्य है जहां पर 3 जो गुरु हैं सिख धर्मों के गए हों और वहां पर वक्त बिताया हो। तो आप समझिए कि अयोध्या में अगर जब हम कहते हैं पावन भूमि तो वो प्रभु राम नहीं, यहाँ सिख धर्म से भी जुड़े हुए महान गुरुओं ने यहाँ पर कदम रखा है। वहाँ आप अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो वहाँ भी देखिए यहाँ खूब सारी दरगाह आपको मिल जाएगी और खासकर हजरत शीश की जो दरगाह है वो लोगों में बहुत प्रचलित है, लोग वहाँ जाते हैं, मन्नत मांगते हैं और जैन धर्म समुदाय के लोग भी यहाँ पर आते हैं और तीर्थ करके जाते हैं। इसी पेड़ की इस वक्त मैं राम की पैड़ी पर मौजूद हूँ, सरयू नदी के इस पार है। मेरे पीछे आप प्राचीनतम मंदिरों को देख रहे होंगे जिन्हें लकड़ी और ईंट से बनाया गया है और पूरी नगरी ऐसे ही मंदिरों से पटी पड़ी है। इस नगरी ने न जाने क्या क्या झेला है। सरयू ने तो कई बार गुस्से में बाढ़ की शक्ल में इस नगरी को डांट भी लगाई है। हर मौसम को इस नगरी ने झेला है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, मौसम का वो कौन सा मिजाज है जो यहाँ पर ना टूटा हो। लेकिन अयोध्या जो कि रामराज की राजधानी है उसकी बुनियाद में ही कुछ ऐसी बात है कि चाहे कितनी भी स्याह रात क्यों ना हो अगली सुबह खूबसूरत बनकर ही आती है और ये फैसला वही लेकर आया। मैं सरयू, मैंने कभी भेद नहीं किया, मेरे किनारे बसी अयोध्या ने भी नहीं। पर दशकों से मंदिर मस्जिद विवाद के नाम पर अयोध्या को बदनाम किया गया, पर मैंने देखा है कि अयोध्या में हिंदू जमीन पर भी मस्जिद खड़ी है और इस पर
कभी कोई विवाद नहीं रहा। सरयू ने जो मोहब्बत देखी है अयोध्या में, उस मोहब्बत की एक जीती जागती मिसाल हनुमानगढ़ी इलाके में इस वक्त में मौजूद हूँ। और ये देखिए आप, ये शाह इब्राहिम शाह की मजार है और कितनी बुलंद इस वक्त आपको ये नजर आ रही है। और सिर्फ यही बात नहीं, यहाँ इस तरफ आप देखेंगे तो ये मस्जिद है, और कहा जाता है कि इस मस्जिद का रख रखाव जो है हिंदू और मुसलमान भाई यहाँ के आपस में मिलकर रख रहे हैं। और उसका सबूत देने के लिए बकायदा यहाँ पर मेरे साथ लोग मौजूद हैं। ये बहुत जमाने की मस्जिद है, 700 साल पुरानी है। मस्जिद का नाम है मस्जिद शाह आलम। ये किसी जमाने में हनुमानगढ़ी को ट्रांसफर कर दी गई थी, तो मस्जिद थी। तो इसमें केस हुआ कि मुसलमान, जब तक यहाँ आर्डर हुआ कोर्ट से कि मुसलमान नमाज इसमें पढ़ेगा जब तक मस्जिद रहेगी, और मस्जिद नहीं रहेगी तो जमीन हनुमानगढ़ी महान ज्ञानदास की भूमि है, उनके बैनामे की भूमि हो जाएगी। तो इधर अभी एक यादव मंदिर था, बहुत जर्जर इमारत थी यहाँ अयोध्या में, यादव मंदिर गिर गया, उसमें एक दो लोग उसमें मर गए। तो जिला प्रशासन ने नोटिस इशू की, चूंकि महान ज्ञानदास जी इसके मालिक थे जमीन के जिसपे मस्जिद बनी है, कि आप इसको बनवाइए या तो ध्वस्त करा दीजिए। तो ध्वस्त हो नहीं सकता, उन्होंने हमको बुलाया, चूंकि हमारी उनकी दोस्ती है बचपन की, बाबू भाई ऐसी ऐसी बात है, मस्जिद को आप बनवाइए बढ़िया। तो ये उदारता दिखाया उन्होंने, ये एकता यहाँ पे है। पानी सा निर्मल कुछ भी नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। और सच तो ये है कि पानी के बगैर जिंदगी का कोई स्वरूप नहीं। आप इसमें रंग डालिए तो ये रंगीन हो जाएगा, आप इसे किसी रूप में ढालिए तो ये आकार बन जाएगा। ठीक इसी पानी की तरह है सरयू और अयोध्या की गंगा जमनी तहजीब। इस अयोध्या ने इतिहास देखा है, वर्तमान लिखा है, और अब एक सुनहरे भविष्य को भी यहीं पर लिखा जाएगा, यहीं पर राम राज आएगा।